सुनाइए। भंग का रंग जमा हर चक्का चक, फिर लो पान चबाए। ऐसा झटका लगे जिया से, पुनर्जन्म हो जाए। छोरा गंगा किनारे बाला। आप ही हैं दरभंगा के अमिताभ बच्चन? जी हाँ, हम ही हैं। अमिताभ बच्चन कैसे बन गए आप? ये तो जनता लोगों का, यहाँ लोगों का प्यार है। अमिताभ बच्चन आप ही हैं? जी हाँ। अच्छा, दरभंगा के अमिताभ बच्चन है भैया, थोड़ा नाचते गाते भी हैं। एक वीडियो देख रहे थे, नाच रहे थे आप जी। नाच गाना क्या करना है? नहीं, एक वीडियो देखे थे, उसमें बड़ा डांस कर रहे थे, लोग काफी तारीफ कर रहे थे आपका, कह रहे थे कि इतने बुजुर्ग होने के बाद भी आप काफी जिंदा दिल हैं। हाँ, जिंदा दिल तो है, लेकिन आज की घटना आपको झंझोर कर रख दिया है। क्या हो गया आज? ऐसा है कि जो भी मुसीबत आता गरीब आदमी पे ही आता है जी। यहाँ तो हम हार गए दरभंगा से, वाइफ का इलाज नहीं करवा सके, शायद टीका है उसको जी, भिन्न दबा हुआ है कमर का। अब उसके लिए यहाँ हार गए हैं तो रिश्तेदारों से बात किया दिल्ली। हाँ। कहा कल तक तो कहा कि टिकट बनवा दीजिए, सुबह से लाइन में लग करके तत्काल टिकट की व्यवस्था किए हम। हाँ। अब वो लोग इनकार कर रहा है कि मत भेजो, यहाँ कोरोना काल है, यह है वो है। अच्छा, बहाना बना रहे, बहाना बना रहा है रिश्तेदार। रात को 12 बजे रात में हम 5,000 रुपया की व्यवस्था किए कि वाइफ को हम दिल्ली भेजे इलाज के लिए। हम तो मरिया रहे हैं, साथ वाइफ ही मर रही है। अच्छा, अब हम हौसला एकदम हार गए हैं। अब अमिताभ जी मदद नहीं कर रहे हैं? अमिताभ जी से मदद तो नहीं मांगे, मांगे ही नहीं मदद उनसे हम। मतलब ये इतने बड़े फैन है कि अपने अमिताभ जी पे बात ही नहीं आने देंगे, कोई उन पे बात आ जाएगा तो तुरंत पलट जाएंगे। हम जीवन से हार गए हैं, बस किसी तरह 11 अक्टूबर मेरा गुजर जाए बढ़िया से। 11 अक्टूबर को मेरा जो सपना है कि इस गाड़ी को सजा करके अमिताभ जी का इसी जगह दरभंगा के ओवर ब्रिज पर बर्थडे मनाए और आखिरी ख्वाहिश हम पूरा करें। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हम धूमधाम से, मेरे बचपन से सपना था कि अपने गाड़ी में अमिताभ बच्चन का। देखिए, ये इनका आईडी है, अमिताभ रथ 2023, ये इनका आईडी है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे। अच्छा चलिए, अमिताभ जी का कोई गाना हो जाए उनकी याद में, जरा सुनाइए कोई जिंदा दिल वाला गाना। जिंदा दिल तो टूटा, टूटा हुआ दिल से क्या निकलेगा। अच्छा, एक बार गमछा बांधिए अमिताभ जी जैसे जैसे। नहीं, उस तरह से तो नहीं, बरसराबी मूवी में जब उन दुखी होते हैं तो एक गाना गाते हैं जी, मंजिल अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, मंजिल अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। तो यही बात है, मंजिल अपनी जगह है और दुखी हो गया पूरा जगह है। हाँ, देखिए, बहुत दुखी है कि हम अपने लिए तो न कुछ कर सके। हाँ। ना हम घर परिवार के लिए कुछ कर पा रहे हैं, जितना कमा रहे हैं गाड़ी का किस्ती और घर वाले की बीमारी में ही जा रहा है सारा पैसा मेरा। अमिताभ जी के देखे कितने बड़े फैन है, अभी फिर ये नया स्टिकर लगाए हैं क्या? हाँ हाँ। कितना फिर से कितना खर्च कर दिए इसमें? लगा है करीब 2000 रुपए समथिंग लगा है, ये पोस्टर सब चेंज किए हैं, पूरा पूरा चेंज कर दिया, नया पोस्टर लगाए हैं। देखिए, यही जबड़ा फैन होता है, अमिताभ जी का एक जबड़ा फैन हमें मिला है। हाँ, देखिए फिर से पीछे देखिए, अमिताभ रथ 2023 के नाम से इनकी आईडी है, जरूर वहाँ जाकर इनको फॉलो करें। अब अमिताभ जी से मिलने का सपना अभी भी है कि टूट गया वो सपना? उनसे सपना तो है ही, लेकिन वो बुलाए तब ना, कहते हैं कि पत्थर को पूजो, सच्चे दिल से पूजोगे तो वो दीदार जरूर कराएंगे अपना जी। मैं तो पूज रहा हूँ सुबह शाम, इंतजार कर रहे हैं सबड़ी की तरह कि कब वो हमको बुलाए, लेकिन नहीं बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं। अच्छा चलिए, अमिताभ जी एक बार उनका गाना है में, रामायण में सबड़ी इंतजार करते हैं रामचंद्र जी का कि वो आएंगे आएंगे और उनका दीदार हो जाता है रामचंद्र जी से। अच्छा एक चीज़ बताइए अमिताभ जी, जैसे कि एक मूवी था जिसमें गाना था खई के पान बनारस वाला, कौन सी मूवी थी बताइए जरा? वो तो डॉन मूवी का गाना है, सब चीज़ पता है। उसका एक गाना पे आप डांस कर रहे थे अभी, जैसे मुरेठा बांध के, एक बार जरा करके दिखाई, जनता का बड़ा ख्वाहिश है वो चीज़ देखने का, लोग काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश कर रहे हैं। देखिए, अमिताभ जी के बहुत बड़े फैन हैं, इनका वीडियो लगातार कवर कर रहे हैं, और ये देखिए देखिए अमिताभ जी जैसा इन्होंने पगड़ी बांध लिया है, और वैसा यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन जो भी है उसमें अमिताभ जी के रूप में ये आ चुके हैं। और एक बार जरा वो गाना गुनगुना के जरा तो ठुमके लगा दीजिए, बड़ा मजा आ जाएगा जनता को, जनता देखना चाहती है। चलिए देखिए, ये अमिताभ जी हैं और काफी जिंदा दिल इस उम्र में भी। चलिए अमिताभ जी सुनाइए। भंग का रंग जमा हर चक्का चक, फिर लो पान चबाए। ऐसा झटका लगे जिया से, पुनर्जन्म हो जाए। छोरा गंगा किनारे बाला।
परेशान है इसलिए कुछ कर नहीं सकते हैं, मेरा ध्यान तो आधा घर पे है, अभी परेशानियों से घिरे हुए हैं। क्या करें भाई, सच बात तो ये है कि अमिताभ जी आप अगर एक बार हंस के इनके तरफ किरण के लिए बोल देते ना तो इनका जीवन, समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें, कि फ्लाई ओवर से कूद जाए, हम दिल जल रहा है मेरा, ऐसा मन करता है कि रात को आते तो मन करता है गाड़ी लेकर के इसी फ्लाई ओवर से कूद जाए हम। नहीं वैसा नहीं करना नहीं चाहता है। ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और अमिताभ जी से पहुंचाइए। एक तो खुद हम इस गिल्टी से परेशान है, ऊपर से घर वाले की वो साइटी का बीमारी है, वो मशीन देख करके रोती रहती है कि वो सिलाई नहीं कर पाती है, क्या कह रहे हम हार गए हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि हम पारस अस्पताल में और आरबी मेमोरियल में उसको दिखला सके। सही बात है, कहाँ से गरीब आदमी रहेगा, लेकिन हम अमिताभ जी के फैन हैं और बहुत समय से हैं, तो अमिताभ जी की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि इनके ऊपर ध्यान दें। पाकिस्तान की हालत देखते थे, कहते हैं पाकिस्तान में रोटियों नहीं है, मेडिसिन नहीं है, लेकिन आज मेरे देश हिंदुस्तान में भी इस तरह का कुछ नहीं है भाई, हिंदुस्तान में भी कुछ नहीं है, दवाई दारू सब नेताजी सब बेच रहे हैं, मंत्री जी सब बेच रहे हैं, खा रहे हैं, आम जनता तक नहीं, आम जनता तक उसका लाभ नहीं मिलता है, कोई दवाई नहीं मिलता है यहाँ, ना ढंग का कोई सही डॉक्टर मिलता है यहाँ। देखिए क्या कह कैसे सकते हैं, जिएगा गरीब आदमी, क्या कह सकते हैं इस बारे में। देखिए अमिताभ जी आपसे भी गुजारिश है कि आपका फैन ऐसे गुहार लगा, मोदी सरकार भी पहचान पहचान करके लोगों को आयुष्मान कार्ड देती है, मेरे पास नहीं है, पता किया मालूम पड़ा कि साइबर कैफे वाला 3,500 रुपया लेकर बनाता है, अब मालूम मेरे पास उतना पैसा नहीं जो कि बनवाएंगे हम, कुछ लोग कह रहे 10,000 रुपया दोगे तो सब परिवार का हो जाएगा आयुष्मान कार्ड, हम कहाँ से पैसा लाए, हम खाने को पैसा नहीं है, हम कहाँ से 3,000 से 3,000 उसको देंगे लाके, हम रात को कल भी हम जैसे उधार दवाई लाए हैं, परेशान हो चुके हैं, हर जगह से परेशान हो गए, दवाई था मेरे पास 350 रुपये था, क्या कह रहे हम, नहीं जिया जाता है, अब कमाई भी उस तरह का नहीं होता है। देखिए एक बार अमिताभ जी के इस रथ को देखिए, देखिए कितने बड़े फैन हैं लेकिन इनके पास करने को कुछ नहीं है, देख लीजिए अमिताभ जी का वो गाड़ी है जिस गाड़ी को लेकर ये चलते हैं, अमिताभ जी के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन अमिताभ जी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनसे एक बार मिले, क्योंकि अगर इस तरीके से आप करेंगे तो ये जो फैन है ना कहीं रुष्ट होगा, इसकी ये कह रहे हैं कि इनकी मौत होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आखिरी इच्छा आपसे मिलने की है तो आप ज़रूर इनके लिए कुछ करें। सोनू सूद जी आपसे भी गुजारिश निरंतर कर रहे हैं, इनके लिए कुछ कीजिए, एक बार ज़रा इनके परिवार से मिलिए, जो भी तकलीफ है उसमें थोड़ा सा तो उस भागीदारी आप ही निभाइए। मेरे पास बेचने के लिए सिर्फ एक गाड़ी के अलावा कुछ नहीं, मेरे पास घर द्वार भी मेरे पास नहीं है, गाड़ी भी आपकी जान है, गाड़ी ही मेरी जान है, लेकिन मैं इसको भी क्या कह रहा हूँ, इसको बेच भी नहीं सकते हम, बहुत दुख वाली स्थिति है। बाकी अमिताभ जी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और अमिताभ काम कर सकते हैं, हम गरीब आदमी एक काम कर सकते हैं, सारा गाड़ी के साथ हम इसी फलाई ओवर से फलंग जाएंगे, ऐसा सोच नहीं रखिए, आप ना घर जाएंगे ना घर पर किसी तरह का परेशानी हमको देखने को मिलेगा, घर जाते हैं वाइफ की उसको तकलीफ देखा नहीं जाता है, हमको क्या कर सकते हैं। अब आम लोगों की जिम्मेदारी कि इस वीडियो को अमिताभ जी तक आप लोग पहुंचाइए, बाकी आए थे काफ़ी खुश हो गए लेकिन इनके दुख को सुन के काफ़ी ज़्यादा हम भी दुखी हो गए, बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।